नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। ये हीरो की प्लेजर है, इसका चक्के के पास से ऑयल आ रहा है और कुछ आवाज़ भी आ रही है गियर बॉक्स से। तो मेरे ख्याल से ऑयल नहीं है, इस कारण आवाज़ आ रही है बैरिंग वगैरह की। तो इसमें ऑयल लीकेज कर रहा है, इसे मुझे चेंज करना होगा। इसमें एक वाइल सील होता है, इसे चेंज करने के लिए मुझे इसका गियर बॉक्स खोलना होगा। ये मैं पूरा स्क्रू को खोलूँगा और इसे बाहर निकालूँगा। चलिए मैं इसे खोल लेता हूँ, सारे स्क्रू को खोल कर इसे बाहर निकाल लेते हैं। अब हम इसे खोलेंगे। चक्का मैंने खोल दिया है व्हील को। अब मैं ये क्लच कटोरा खोलूँगा। क्लच कटोरा खोलकर शू वगैरह सब निकाल लूँगा, क्लच शू, और इसका गियर बॉक्स चैम्बर खोलूँगा। चलिए मैं इसे खोल लेता हूँ। यह आसानी से खुल जाता है, ये पूरा कंप्लीट बाहर आ जाएगा। ये बाहर हो गया। अब यहाँ पर 10 नंबर की बोल्ट लगी हुई होती है, मुझे ये बीच का चैम्बर खोलना होगा। ये 10 नंबर की बोल्ट मुझे खोलनी पड़ेगी, तब ये बाहर आएगा हाफ चैम्बर। चलिए मैं टी रेंच से इसे खोल लेता हूँ। टी रेंच या गोटी से खुलेगा ये। सभी बोल्ट को खोल लेते हैं। सारा बोल्ट ये साइड से ही कसा हुआ रहता है, वो साइड से नहीं रहता है। वो साइड से सिर्फ आपको चक्का खोलना पड़ेगा। चलिए हमने सारा बोल्ट को खोल दिया है। अब यहाँ पर हो सकता है इसमें गियर ऑयल हो, इसलिए मैंने इसमें ट्रे लगा दिया है ताकि वो उसी में गिरे। उसका वायल सील कट जाने से पूरा भींगा हुआ रहता था और वायल गिरने से इसका बैरिंग पिनियन वगैरह भी ख़राब हो जाता है। सभी 10 नंबर बोल्ट को खोल लेते हैं। अभी से हल्का सा मुझे ठोकना होगा। ये देखिए, ये खुल गया। इसमें ऑयल नहीं था, थोड़ा सा था ऑयल, मैंने इसका डाउन भी नहीं किया। अब मैं ये पिनियन निकालूंगा क्योंकि इसके अंदर में ही वायल सील होता है। सभी पिनियन को बाहर निकाल देंगे। इसका पैकिंग भी फट गया है, पैकिंग भी मुझे चेंज करना पड़ेगा क्योंकि मैं पैकिंग नहीं चेंज करूँगा तो गीला गीला ही रहेगा, पैकिंग से लीकेज करेगा। चलिए मैं इसे सभी पिनियन को निकाल कर और इसे वॉश कर देता हूँ, उसके बाद मैं आपको दिखाता हूँ। देखिए, इसे मैंने पिनियन को निकाल कर वॉश कर दिया। ये वायल सील कटा हुआ है, ये वायल सील को मुझे चेंज करना पड़ेगा। इसी के कारण ऑयल जो है बाहर चली जा रही है। यहाँ पे एक होल रहता है, वो होल से आपका ब्रेक केम में चला जाता है और वहाँ से बाहर आता है। ये इस जगह पर वायल सील रहता है। चलिए मैं इसे निकाल कर चेंज कर लेता हूँ। अगर पैकिंग चिपका हुआ तो उसे अच्छी प्रकार हटा ले, नहीं तो नई पैकिंग लगाने में दिक्कत होगी आपको। ये वायल सील ही चेंज करना है मुझे। अगर अलग से मिल जाए तो ठीक है, नहीं तो आपको पूरा किट लेना पड़ेगा। बैरिंग सही है,
चलिए मैं वायल सील को निकाल लेता हूँ। आसानी से निकल जाएगा क्योंकि वो रबर का होता है, ज़्यादा हार्ड नहीं रहता। ये वायल सील है, मैं नया वायल सील डालूँगा, ये पुराना है, कट गया है, कट जाता है या इसका कोर हार्ड हो जाता है पुराना होने के बाद। वायल सील ओरिजिनल ही डालें, सस्ती कंपनी के वायल सील डालने से क्या होता है कि वो रबर का होता है ना, वो हार्ड हो जाता है। ये नया वायल सील है, ये पुराना वायल सील है। चलिए मैं नया वायल सील को डाल देता हूँ। ये आसानी से लग गया क्योंकि ये रबर का रहता है। ये हो गया, अब हम इसमें पिनियन वगैरह डालकर इसे फिटिंग कर देंगे। मैं इसमें थोड़ा ग्रीस लगा देता हूँ ताकि पैकिंग लगाने के बाद नीचे न गिरे, आउट ना हो, चिपका हुआ रहे। ये पाइप है उसका एयर निकलने का, और ये पैकिंग। ये लग गया, तो मैं इसे फिटिंग कर देता हूँ। ये हो गया फिटिंग, अब इसका बोल्ट, सभी बोल्ट को हम लगा देते हैं उधर से और टाइट कर देते हैं अच्छी तरह से। अगर ऑयल लीकेज कर रही है आपकी चक्के की तरफ से तो सिर्फ एक वाल सील ही चेंज करना पड़ता है उसमें। अगर आपकी भी स्कूटी में ये प्रॉब्लम है तो वाल सील चेंज करवा लें, नहीं तो गियर बॉक्स का ऑयल नहीं रहने के कारण गियर बॉक्स में आपका ऑयल, बैरिंग वगैरह सब टूट जाएगा, पिनियन वगैरह ख़राब हो सकता है। चलिए मैं इसे लगा देता हूँ, ब्रेक शू भी नया लगेगा, ब्रेक शू भी ख़राब हो गया था। हालांकि ऑयल आने से ब्रेक शू में ऑयल नहीं आता है, वो आपको बाहर में ही गिरेगा। अगर ब्रेक शू में ऑयल आएगा तो आपका ब्रेक भी नहीं लगेगा। ये हो गया, अब मैं इसका चक्का को लगा देता हूँ। जो पहली बार स्कूटी का चक्का खुलता है तो बहुत जाम रहता है उसका नट, खोलने में दिक्कत होती है। नट को टाइट कर देते हैं और बाकी सभी चीज़ों को लगा दूंगा। तब पढ़ाई कंप्लीट हो गया सर? टाइट अच्छी तरीके से करें क्योंकि एक नट पे ही व्हील रहता है इसका। कौन सी का कोर्स है? इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन। ये हो गया टाइट, ब्रेक लेकर टाइट किया जाता है। ये हो गया टाइट, ये कंप्लीट हो गया, और इसका बाकी क्लच को मैं फिटिंग कर दूंगा। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं अगले कुछ नए वीडियो में कुछ नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्ते, धन्यवाद, जय हिंद।